चाहिए बेटा, कितनी बार का है, पहले नाश्ता कर लो। मम्मा आज पाकिस्तान की बर्थडे है। पाकिस्तान की बर्थडे को इंडिपेंडेंस डे क्यों कहते हैं? बेटा क्योंकि हमने आजादी हासिल की और पाकिस्तान उस दिन वजूद में आया। हमने आजादी हासिल क्यों की? क्योंकि कायदे आजम चाहते थे कि मुसलमान एक अलग मुल्क में रहें और उनमें कोई तफरीक ना हो। तफरीक का क्या मतलब है? तफरीक यानी डिफरेंस। कायदे आजम चाहते थे बेटा कि हम मुसलमान एक ऐसे मुल्क में रहें जहां सब बराबर हो। इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत कोशिशें की, इतनी जदोजहद की, उसके नतीजे में हमारा मुल्क पाकिस्तान आजाद हुआ और आज हम ये इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। और मम्मा, ओहो हो, अली अली बहुत सवाल करते हो, बस अभी स्कूल जाओ, जब आप आ जाओगे फिर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। चलो जल्दी से करो। लगता है आज तो बहुत एक्साइटेड है मेरा बेटा स्कूल फंक्शन को लेके। जल्दी से आ जाओ। मम्मा ऐसा लग रहा है कि अख्तर अंकल वापस बशीर अंकल को डांट रहे हैं। हाँ लग तो मुझे भी रहा है। जल्दी आओ देखें क्या हो रहा है। चल जाओ यहाँ तो पैसे लेके आओ। सब थोड़ा रहम करो सब। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे लाके दो तो 500 रुपए दिए झंडिया लाने के। सब ग्राहक सब बाइक स्लिप हो गई थी सब। मुझे नहीं पता, मेरे सामने कहानियां नहीं बनाओ, कहीं से मिलो भीख मांगो कुछ भी करो, मुझे पैसे लाके दो सब। थोड़ा का वास्ता रहम करो। तुमका मैं से मैं काटूंगा सब। पहले ही तुमका 12,000 रुपए सब। चले जाओ यहाँ से पैसे लेके आओ, तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा मैं। सब पहले ही तुमका 12,000 है। मुझे नहीं पता, लेके आओ फटाफट पैसे सब। पहले ही आप मैं 3 दिन की छुट्टी के मेरे पैसे काट दूंगा। यही रोने रोते रहते हो, जाओ यहाँ से लेके आओ पैसे सब। घर का खाने का बंदोबस्त कैसे करूंगा। मम्मा आज का दिन बहुत अच्छा गया, पूरे स्कूल में इतनी सारी सेलिब्रेशन, पूरा स्कूल सजा। बैठो बैठो बैठो, पहले बैठो फिर बताना मुझे। अब बताओ क्या हुआ। मम्मा आपको बताया, आज बहुत अच्छी अच्छी सेलिब्रेशन हुई, मुझे बहुत मजा आया और टीचर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अच्छा जरा बताओ मुझे क्या क्या बातें बताई टीचर ने आपको। टीचर ने बताया हमें कि किन डिफरेंसेस की वजह से हमें आजादी हासिल हुई और आज के लेसन मुझे बहुत अच्छे से समझ में आए। गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी से अब चेंज कर लो, खाना खाते हैं, फिर हम मार्केट जाएंगे सामान लेकर आते हैं, फिर उसके बाद रात में चलेंगे बाबा के साथ आइसक्रीम खाने। ये मम्मा पार्टी। अच्छा सुनो जी। अच्छा 1 किलो टमाटर दे दीजिए, 1 किलो प्याज दे दीजिए, ये मुझे दो, मैं खुद से डालती हूँ। लास्ट टाइम भी तुमने बहुत खराब दिए थे प्याज। सही है भाजी, सही है। ठीक है, और प्याज में कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। लास्ट में बहुत ज्यादा गले में उठा के दे दिए थे तुमने। ये लो, ये यहाँ से भी उठाओ, वो वाले थोड़ा सा पीछे से। हाँ ये नीचे से, ठीक ठीक रखो। अब ये देखो, बात सुनो, सामान अपने पास रखो, बच्चे को मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना, मैं जरा फ्रूट्स ले आऊँ। सही है भाई। क्या आप यहाँ बैठो। सीना है माशाल्लाह। मम्मा कैसी हैं? मम्मा ये कौन है? ओहो चलो बेटा जल्दी घर चलते हैं, अब तो घर ही महफूज है। जावेद की जॉब इतनी टफ ना होती तो मैं कभी भी इन हालात में बाहर ना निकल। अरे
आज स्कूल में मजा आया? और आज का दिन कैसा गुजरा बेटेगा? पापा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेलिब्रेशन हुई और मैं नगमा भी गाया, दिल दिल पाकिस्तान। और बाबा टीचर और मम्मा ने मुझे इंडिपेंडेंस का मतलब भी बताया और ये भी बताया कि आज़ादी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अच्छा तो मुझे ही बताओ क्यों थी ज़रूरी आज़ादी? पापा आज़ादी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कायदे आज़म चाहते थे कि कोई डिफरेंस ना हो। हाँ और चाहते थे कि हम आज़ाद हो जाएं बिना खौफ और डर के। जी और टीचर ने बताया जो डिफरेंस लाते हैं वो दुश्मन होते हैं। बिल्कुल सही बेटा, इस्लाम में तफरीक को मना किया गया है और हम लोग जो है वो तफरीक को ख़त्म करने के लिए आज़ाद हुए हैं। लेकिन पापा आज़ादी तो मिल गई पर डिफरेंस तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, दुश्मन तो अभी भी हमारे मुल्क में। क्या मतलब कौन से दुश्मन? अख्तर अंकल, रोड पे बाइक वाले अंकल और दुकानदार अंकल, ये सब हमारे दुश्मन ही तो हैं। नहीं बेटा आपको ऐसा क्यों लगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बाबा वो अख्तर अंकल जो बशीर अंकल को सबके सामने डांटते हैं और फिर कहते हैं तुम जैसों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, और बाबा वो सब्जी वाले अंकल जिन्होंने मामा को चीट किया, अच्छे टमाटर निकाल के बुरे टमाटर डाल दिए, और पापा वो बाइक वाले अंकल जिन्होंने मम्मा के साथ और लड़कियों को भी तंग किया, वो सब डर गई थी। हमारी टीचर तो कहती है हमें धोखे देने वाला हमारा दुश्मन होता है, तो ये सब तो हमारे दुश्मन हुए ना बाबा। बेटा आपसे ये सब किसने कहा है? मम्मा आपने और टीचर ने ही तो मुझे डिफरेंस का मतलब समझाया था, इस तरह तो ये सब हमारे दुश्मन हुए, क्या अब हमें इनसे भी आज़ादी लेनी पड़ेगी? लेकिन अब कायदे आज़म कौन बनेगा? दिल दिल पाकिस्तान। सवेरा आज छोटा सा बच्चा हमें आईना दिखा गया, क्या हम अभी भी आज़ाद नहीं है? हजारों अख्तर हजारों दुकानदार क्या अभी भी धांधली और चोरी कर रहे हैं? हमारी औरतें महफूज नहीं है क्या? हम तो पहले से भी बुरे हाल में हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं दिख रहा पहले और अब में। है फर्क, बहुत फर्क है। पहले हमारे दुश्मन बाहर थे, अब हमारे दुश्मन अपने ही हैं। तभी तो हम इस हाल में हैं। हमारे बड़ों को कामयाबी इसलिए मिल गई थी क्योंकि वो सब एक थे, और हम लोगों ने एक दूसरे के लिए जमीन को इतना तंग कर दिया है, इसलिए अब हमें कोई और नहीं हम ही बचा सकते हैं, क्योंकि इस बार हम ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। और हम सबको आज़ादी तब मिलेगी जब हम सब कायदे आज़म जैसे बन जाएं और मुत्तहद हो जाएं।